भाई दोस्तों, ये शाम का समय है और अभी जो है ना, अभी अपनी गाड़ी जो है ना, अभी थोड़ी सी स्टार्ट की थी, और स्टार्ट करने के बाद में ना, ये इसको थोड़ा सा खोल खाल के रखा है उबल गई थी अंदर से। क्योंकि अंदर उबल गई थी। नहीं, अंदर तो काफ़ी ठंडी हो रखी थी, और अभी जो है ना, थोड़ा सा इसको क्या कहते हैं, हमने वो किया है। क्या देखो कितना गंदे का, गर्म कितना हो गर्म रही है। है, थोड़ा सा ठंडा करने के लिए ना इसको दे रखा है, ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए। वो दिखाओ क्या चाबी, चाबी, ये ले। बहुत ज्यादा गर्म हो गई है। इतनी देर जब चलती है तब होती है। ये भैया, खुल गर्म है। अरे दादा क्या ये भारी है तो बड़ा। फिर इसमें पैडिंग लगवानी पड़ेगी, है ना, ताकि डेंट है। हाँ डंपिंग। ये वो है डेंट वगैरह। तो आज ये हमारा टर्बो इंजन सबसे तगड़ा इंजन होता है। ये ना टर्बो, सबसे तगड़ा होता है ना टर्बो, 1.4 GDI। इसमें एमोरन की बैटरी लगी भाई, ये अब यहाँ पे गाइस हूटर लगा सकते हैं। लगा तो यही है। हाँ, हूटर नहीं है, सायरन है। सायरन यहाँ पे गाइस हम अहू जाओ इतना बड़ा ऐसे हूटर करके लगा सकते हैं। लास्ट तक लगाएंगे नहीं है। क्यों पर लगा तो सकते हैं, क्या पर वो बहुत, लगवा लेते हैं क्या वेल्वाटोनिक एग्जॉस्ट। कौन सा, वेल्वाटोनिक एग्जॉस्ट उससे क्या होता है? से ना, मतलब जब सुपर का गाड़ी वाली वो चाहिए ना आवाज, तो उससे ऐसे ही बटन होता है ऐसे करके, तो उससे ऐसे बटन दबा दो तो फिर वो मतलब सुपर कार वाली आवाज आने लगती है। और फिर जब बटन हटाओगे तो फिर वैसी नॉर्मल हो जाती है। बहुत खोल गए पापा ये तो सच में। क्या बात कर रहे थे, खोल के दिखा तो पता लगेगा। चुके देखो कहाँ है, पकड़े रखो। हल्का है, काफी गर्म होगी भाई। और इसमें एक और चीज होती है, उसे कभी नहीं खोलना चाहिए, क्या तो बहुत तेज ब्लास्ट हो जाता है वरना। क्या ये कूलेंट नहीं गाइस है? कुछ होता है उसमें पानी ही निकलता है। यही तो होता है, ये नहीं होता, वो होता होगा .24, ये ये या वो। भाई मत खोलो भैया, गाइस ये और एकदम से धीम ऐसे निकल पड़ता है। गड्डी सिस्टम सारा हिंदा लुक्स तो सही यार बहुत। अगर गाइस हम अर्टिगा लेते तो उसके लुक्स अच्छे नहीं थे, और ठंडू भी अच्छी नहीं थी, और एक तो मारुति का प्रोडक्ट है। गाइस हम बुराई तो नहीं कर रहे, मतलब हम बता रहे हम हमें अच्छी नहीं लगी ऐसा। मतलब हमने अभी तो हमने बाइक लेके ढूंढी है गाड़ी, आपको क्या बता है? गाड़ी कितनी दूर से हम लेके आए हैं, मेरठ के बिल्कुल दूसरे छोर से लेके आए हैं। वही बाइक पे गए थे गाइस, आपको क्या बाइक पता। पे, बाइक पे गए थे वो अपन भी लोग हमारा दिन। शाम को प्लान बना था, हैं? वो भी हमारा शाम को प्लान बना था गाइस। देखो हम मतलब ये है अच्छे 6 महीने पहले की छह बात। क्यों 3 महीना पहले, 4 महीना, हाँ चार महीना चार चार चार, जनवरी के बाद, हाँ जनवरी के दिसंबर बाद। में बुक तो हमने कब लास्ट ईयर कराई थी ना, हाँ तो फिर गाइस हमने बुक करा दी थी नवंबर में करा दी, अक्टूबर में कराई थी, दिसंबर में
नवंबर नवंबर में कराई थी, नवंबर दिसंबर 17 नवंबर करीब कराई थी, 17-18 नवंबर में हमने करा दी थी। पहले हम गए थे इसे देखने, मतलब सबसे पहले हम गए थे वेन्यू देखने। गाइस वो हमें बहुत अच्छी लग गई थी, कुछ ज्यादा ही अच्छी लग गई थी। फिर गाइस हमारा मन बदल गया। अबे इधर देख के बोलना। गाइस हमारा मन बदल गया। क्यों? क्योंकि गाइस वो छोटी थी, फिर 7 सीटर चाहिए थी हमें। बड़ी फैमिली। हाँ बड़ी फैमिली के लिए। लगा जगह छोटी गाइस होती तो थाली ले लेते। और फिर हम गए थे, फिर शायद हम क्रेटा देखने गए थे। फिर गाइस क्रेटा भी वैसी थी, मतलब लुक्स अच्छे हैं उसके बहुत, और वो थोड़ी वैसी थी। फिर हम ब्रेजा देखने गए थे। ब्रेजा के बाद गाइस हमारी सोच बदल गई। महिंद्रा वो नहीं गए थे? हाँ महिंद्रा गए थे गाइस। फिर हमने स्कॉर्पियो और बुलेरो। हाँ स्कॉर्पियो गाइस, वो थोड़ी महंगी थी तो फिर हमने ली नहीं गाइस, बजट से बाहर थी वो। बजट से बाहर क्या मतलब, ले तो लेते लेकिन फिर फायदा क्या होता, रखी रहती वो। मतलब महंगी थी थोड़ी। तो फिर और फिर हम मतलब हम बुक तो कराए थे स्कॉर्पियो है नहीं, फिर हमने कराई नहीं, वो ज़्यादा महंगी हो रही थी, बजट का भी खाता रहना पड़ता है। और फिर उसके बाद फिर मारुति की देखने गए थे, मारुति की देखने गए थे, अर्टिगा बता दिया हमने, फिर वो अच्छी लगी थी। और इस साल का अवार्ड भी इसने जीता है, इंडियन कार ऑफ दिस ईयर अवार्ड। किसने जीता है? इसने, इसने। हेलो गाइस, और बस फिर ये हमें पसंद आ गई 7 सीटर में। और फिर गाइस आपको पता है हम ना यहाँ से गए थे अपने कसरू खेड़ा से, मतलब बहुत दूर। फिर गाइज हम गए थे वो देखने अर्टिगा। फिर अर्टिगा के बाद गए थे हम इस पे किया कैरेंस पे, पहले हमने बुलेरो न्यू भी देखी थी, फिर हम वरना पे गए थे, फिर अल्काज़ार पे गए थे, मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ देखी थी हमने, है ना गाइज। और हम लोग गए किस पे थे? बाइक पे। बाइक पे हम वो भी सोच रहे होंगे क्या खरीदेंगे। फिर गाइज हमने उन्हें जाके बताया कि हमें 1 7 सीटर चाहिए गाड़ी। और फिर उसके बाद बस फिर हमने इसे बुक कर दिया। फिर जनवरी में 26 जनवरी का तो बसंत पंचमी था, तो 28 जनवरी को आ गई थी गाइस। और गाइस पता है क्या हुआ, पहले एक हमारे यहीं पे अंकल रहते हैं, पहले उन मतलब उनकी वजह से थोड़ा लेट हो गया, मतलब उनका ही प्रोग्राम था गई। फिर लेट होने के बाद फिर हमने एक ऑटो रिक्शा किया। फिर हम ऑटो रिक्शा से गए गाड़ी लेने। थ्री व्हीलर पे, थ्री ओ ई रिक्शा पे गए थे। ई रिक्शे पे गए थे गाइस, क्योंकि गाइस मतलब जो i20 थी उस पर हम जा तो सकते थे सब लोग, फिर लाता कौन, किसी को आती थी गाड़ी चलानी। और तो फिर उसके बाद बस हम वो आ गए, और क्या हुआ था, बस डिलीवरी ले ली गाइस। उसके बाद ऐसे ही 5-6 बज गए शाम के, उस दिन दवा की बारिश हो रही थी। हाँ भाई दवा की बारिश हो रही थी, और हम अगरनाथ मंदिर पे आए तो उधर वरना फॉर्चुनर था और सबकी मतलब पूजा वगैरह हो रही थी, फिर हमने भी पूजा करा ली। और फिर हम आ गए 9 बजे घर पे आ गए। फिर बस गाइस रात में सो गए थे। और क्या, यहाँ पे भी तो पूजा कराई थी अपनी। हाँ यहाँ पे मतलब दो जगह पूजा कराई थी गाइस हमने। तो भैया हमारी बड़ी लकी और बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है, और गाइस का नंबर प्लेट भी बहुत यूनिक है। हाँ इसका नंबर प्लेट भी बहुत यूनिक है। अब देखिएगा ये नंबर प्लेट यूनिक क्यों है, ये देखिए UP15D Z1 1975। भाई यूनिक क्यों है अब आप गैस कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और अगर हम अगला नंबर लेंगे तो उस पर डालेंगे UP15, फिर यहाँ 15। हाँ 15 डालने के बाद यहाँ पे ओ लेंगे, ओ डबल ओ, फिर यहाँ 000, फिर यहाँ 1। वो तो बड़ा महंगा पड़ेगा रे। नहीं महंगा क्या पड़ेगा, मतलब हाँ महंगा तो पड़ेगा। गाइस अगली गाड़ी पे तो हम जरूर लेंगे VIP नंबर, क्योंकि VIP नंबर ही VIP नंबर। हो गई ठंडी तक? गर्म है अभी। चल इतना तो हो जाएगा वो, धीरे धीरे ना। कवर मत डाल इस पे। अरे कवर डालेगा ना तो उसमें गंदी हो जाएगी रे। अरे तो क्या हो गया, ठंडी हो जाएगी वो।
चलो भाई, टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, और कल जो ना कल बच्चों को लेने जाएंगे, तब गाड़ी चला के दिखाएंगे। भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसका बोनट कितना भारी है। ये देखो बोनट कितना भारी है भाई, ये ए भगवान, मानना पड़ेगा रे। ये देखो ये छोटा सा बालक और इतना भारी बोनट। हाथ धो लगाना भैया, हाथ धो रखना। हाँ छोड़ दे छोड़ दे, ये देखो हो गया बंद। ये है भैया इसका तरीका बंद करने का। चल डालें इसको। गाइस लुक्स तो इसके अच्छे हैं, आ रहे देखो। यहाँ पे और वर्किंग कराना होगा। चल खींच दे उसको।